क्वेश्चन उनका ये था कि अगर हम पुर्तगाल में आते हैं तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसके अलावा अगर बच्चे बड़े हैं तो उसकी क्या सेटलमेंट होनी चाहिए, और वन बाय वन अगर स्टेप आपको गाइड करें तो क्या स्टेप हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई शख्स अपनी फैमिली को जो है वो पुर्तगाल में सेटल करना चाहता है और फिर उसके बिहाफ पर डिपेंडेंट बन के आना चाहता है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो है कम्प्लीटली, वो आप देख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन इसमें मेन मैं आपको ये बता दूं, जो लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम खुद आके फैमिली को ड्रॉप करके वापस जा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं जो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वक्त मैं बाहर हूँ और मैंने कहा थोड़ा सा जो है ये दिखा भी दूँ कि ये जो एरिया है, मैं मेन लिस्बन में हूँ इस वक्त, और सामने जो है ये फ्लैट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो ये डिटेल भी मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन मुझसे एक तो मैंने आपको बताया कि ये वाला है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यहाँ का मौसम कैसा है। कहीं भी आप कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ का जो वेदर होता है वो बहुत काउंट करता है, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इशूज़ होते हैं, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। सो वेदर मुझसे कुछ किसी ने रिसेंटली पूछा था, तो मैंने कहा मैं छोटा सा इसका आपको बता दूँ कि जो वेदर है पुर्तगाल का वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब नमी बहुत ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। मींस अभी अगर आपको ये धूप नज़र आ रही है तो यहाँ काफ़ी सारे लोग बाहर निकलते हैं और अपने पैट्स वगैरह को भी लाते हैं, और ये देखें साइकिलिंग भी ये सब करते हैं, इंजॉय करते हैं मतलब वेदर को। धूप बहुत ज़्यादा होती है जिस वक्त समर्स होते हैं मेनली जो है वो, अभी जैसे जून है तो जून में मैं आपको बता दूँ कि अभी 2 वीक्स हुए हैं और इसी में 2 बार जो है वीक में बारिश हो गई है, अनसर्टन बारिश हुई है, और वेदर इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि कभी सुबह में बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही होगी, अभी भी जो है ना ये लाइट लाइट आप देखें ये सब हिल रहे हैं पौधे, तो ये ट्रीज़ वगैरह, सो मिक्स है वेदर, ठीक है। और सर्दियों में जो है वो मोस्टली सुबह में -2 तक टेम्परेचर जाता है, और लेकिन बर्फ़ नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। बर्फ़बारी जो मेन लिस्बन वगैरह के एरिया है वहाँ पे नहीं होती, पोर्टो और दूसरी जगहों पे जाके आगे की साइड जहाँ माउंटेनियस है वहाँ पे होती है, ठीक है। तो वो भी कैप्चर करेंगे किसी वक्त, आपको बताएंगे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, और काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है कि देखें सबसे पहले तो आपने ये प्लान करना है कि आपने पुर्तगाल में आना है तो किस एरिया में आके रहना है। सबसे पहले आपकी अकोमोडेशन मैटर करती है, उसके अंदर आपको रिकमेंडेड ये लोग कहते हैं कि लिस्बन में आके रहो, लेकिन लिस्बन अच्छा है बहुत सारे परस्पेक्टिव से कि क्राउडेड है और यहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि यहाँ पे रेंट पे घर नहीं मिलते हैं। अब जैसे ये आपको सामने वाली बिल्डिंग में दिखा रही हूँ नज़र आ रही है, और इसके बराबर वाली, इस ये वाली, इसके अलावा ये मेरे पीछे वाली, ये सारी बिल्डिंग्स आपको जो है यहाँ पे घर मिलना बिल्कुल आप समझ लें कि इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, इसकी वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगी, तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों घर नहीं मिल रहे हैं, एक्चुअल रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी काफ़ी सारे स्टेट एजेंट्स वगैरह से और लोगों से बात हुई है जो लोग यहाँ पर घर ले चुके हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ रियली कि घर यहाँ पे, जैसे ये सामने वाले घर भी है तो ये कम से कम भी 700-800 यूरो रेंट है इसके अपार्टमेंट का, और वो भी बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। तो लिस्बन का सबसे बड़ा इशू यही है कि वो रेंट नहीं मिलता है, रेंट पे घर ही नहीं मिलता है, और अगर आप शेयरिंग पे रूम रहना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है अब, क्योंकि 500-400, मतलब अभी मेरी रिसेंटली एक फ़ैमिली शिफ्ट हुई है मेरे ही अपार्टमेंट से, तो वो जो है शेयरिंग पे थे पहले, और उनका जो पहले का शेयरिंग का रेंट था वो 350 और 400 तक था, और अब उनको 600 से कम नहीं मिला। सो जो ये रेंट का सिलसिला है ये बहुत मुश्किल से होता है, और उनको भी जो है वो 600 पे ही जाना पड़ा। सो बहुत मुश्किल हो जाता है एक सैलरीड पर्सन के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करना, उसके साथ फूड एक्सपेंसेस हैं चीज़ें। सो आपने सबसे पहले अपना ये मैप निकाले हैं, या उसमें जो है वो आप कुछ वेबसाइट्स हैं उनको डाउनलोड कर लें, उससे आप ये चेक कर लें कि आपको किस एरिया में रहना है पुर्तगाल के, और वेदर ऑलमोस्ट पूरे पुर्तगाल का ऐसा ही है, अगर आप नॉर्थ साइड पे ना जाएं तो बाकी सारा जो है वो इस तरह का ही वेदर है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पे जो उसके अकोमोडेशन के बाद आपने, अच्छा बजट आपने जो है वो 800-1000 यूरोज़ तक माइंड में रखना है अगर लिस्बन में आप आ रहे हैं, घर ही नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये अपना माइंड में रखना है, उसके डिपेंड्स ऑन लक आपको मिल भी सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखनी है आपकी अर्निंग, आपने अर्निंग कैसे करनी है, और अगर आप स्पेशली फैमिली को यहाँ पर रख रहे हैं तो फैमिली के हिसाब से यहाँ पर जो घर होते हैं वो एक पर्सन का एक ही घर होता है, ठीक है, सिंगल ये लोग ज़्यादा प्रिफर करते रहना, और जो फैमिली वाले होते हैं उनको घर मुश्किल से भी मिलते हैं, और सेकेंडली उनके लिए ज़्यादा रूम्स चाहिए होते हैं ऑब्वियसली एज यू नो।
अच्छा, उसके साथ साथ आपने अपना ये देखना है कि फैमिली को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो उनका जो है वो फाइनेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और स्पेशली सेंट्रो सऊद मतलब हॉस्पिटल का जो है वो सारी नंबर्स वगैरह आपने बना के जाने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ फाइल लॉक। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने एकोमोडेशन करनी है, एरिया चूज़ करके अपना बजट रखना है, और सेकेंडली उनका बैंक अकाउंट वगैरह जो आपने जो है वो सारे डिटेल्स करनी है, और उसके साथ साथ ऐसा एरिया चूज़ करना है जो बहुत दूर ना हो। और उसके बाद आपने ये देखना है कि बच्चों हैं तो बच्चों के स्कूल जो नियर बाय है उधर एडमिशन, ठीक है। अगर वो 5-6 साल से बड़े हैं तो उनका एडमिशन जो है वो फ़ौरन ही हो जाता है, मोस्टली विद इन अ वीक ही हो जाता है, वरना जो है वो टाइम लगता है। ये सब चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि क्या अगर आप आएँ फैमिली को यहाँ पर छोड़ें और फिर चले जाएँ तो सो ये जो क्वेश्चन था कि आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे अभी मोस्टली जो लोग आए हैं स्पेशली मिडिल एज से, उन्होंने ऐसा ही किया है। वो आए हैं, उनको अपनी फाइल लॉक नहीं करानी थी, उन्होंने जो वाइफ या कोई आपके साथ जो बच्चा है या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो, जैसे पेरेंट्स को भी कुछ लोग लेके आए हैं, तो अगर वो बड़ा है और उसके उस बिहाफ पे फाइल लॉक हो सकती है तो ऐसे होगी, ठीक है। और आपने अपना जो है वो आना है, उनको ड्रॉप करना है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने और फिर आप जा सकते हैं। सो ये प्रैक्टिस रही है लोगों की और इससे उनकी फाइल पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है इमिग्रेशन पर, ठीक है। तो ये मैं आपको करंट सिनेरियो बता रही हूँ, बाकी अक्टूबर नवम्बर तक इमिग्रेशन के क्या चेंजेज़ आते हैं वो हम बाय द टाइम ही बताएंगे। उसका अभी श्योरिटी नहीं देनी चाहिए। ऑब्वियसली जब न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आई है कि लोगों को, इमिग्रेंट्स को जो है ये करेंगे फाइनलाइज और इनको TRC कार्ड देंगे, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और मेरी जितने मेरे पुर्तगीज़ जो मेंबर्स हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि न्यूज़ आ रही है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। सो ये थी आज की वीडियो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें जिन लोगों को ज़रूरत है। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और ऐसे ही व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।